हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। छोड़ दे रोटी कन्या को तू हाथ से, छोड़ दे रोटी कन्या। ये तू हाथ से दोस्ती मन है तुझे, आज क्या हो गया? लगता है ये मुसीबत की सताई हुई, छोड़ दीजे इसी में है तेरा भला। कदम सिंह सादे सुल्तान सिंह, तुझे मालूम नहीं है, मैं बता रहा हूं। मेरे दुश्मन की बीबी सुन लीजिए, मेरे दुश्मन बीबी सुन लीजिए, छोड़ूंगा इसको मैं कभी हरगिज नहीं। लूट लेने दो असमत और मुझे इस घड़ी, छोड़ूंगा इसको मैं हर के। तूने क्या बोला? ये हमरे दुश्मन की बीवी है, मैं इसकी असमत से जब तक खेलूंगा नहीं तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। कदम सिंह सुल्तान सिंह, मैंने माना कि हमारे दुश्मन की बीवी है। हाँ, लेकिन हमारी दुश्मनी उन लोगों से नहीं है, हमारी दुश्मनी सिर्फ दुश्मन से है। उनके परिवार के किसी सदस्य से नहीं। सुल्तान सिंह, तुझे मालूम नहीं हमरा दुश्मन अगर एक दुश्मन है तो उसके परिवार में अगर जो कोख में बच्चा पल रहा है वो भी ससुर हमरा दुश्मन है। कदम सिंह सुल्तान सिंह, ये तेरी सोच गलत है रे। तेरी सोच गलत है, मेरी नहीं। हमें उनके परिवार वालों से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी दुश्मनी सिर्फ उनसे है, उनके परिवार के किसी सदस्य नहीं। हमारी दुश्मनी सबसे है, सुन मेरी बात को मान और यहाँ से एक दो तीन हो जा, वरना हमारी खोपड़िया अगर खराब हुई तो कसम पैदा करने वाले की हम क्या से क्या कर बैठेंगे। साली हमारी बिल्ली हमें से मियाओ, hey! याद कर जब साले तू चंबल में आया था, तेरे बदन पर एक वस्त्र में साला नंगा घूमता था। अच्छा, सुल्तान सिंह की देन है कि आज तू कदम सिंह डाकू बन गया है। hey! कल की लोमड़ी कहावत में कहा गया है, कल की लोमड़ी गावे ताल बेताल, वही निहाद है मुहे लाग लोमड़ी गावे ताल बेताल। अबे सुल्तान सिंह, तुम बना है सुल्तान सिंह तो हमारे जैसे, हमारे जरिए से, नहीं तो तू साले इस जंगल में भटकता रहता और पुलिस वाले तुझे उठाकर जेल में डाल। वाह कदम सिंह वाह, अभी वक्त है। एक कहावत कही गई है, दो चार कीड़े मकोड़े खाने से छिपकली कभी मगरमच्छ नहीं बनती रे, समझा? अच्छा, शेर की खाल पहनने से लोमड़ी कभी शेर नहीं बनती। अपनी औकात के अंदर रह और भूल जा, छोड़ दे लड़की को, चल मेरे साथ। है सुल्तान सिंह, खनकते जो बर्तन है वो अक्सर फूटे होते हैं, और तुम जैसे लोग कसम खाने वाले अक्सर ससुरे। सुल्तान सिंह नाम मेरा है, ऊंची आवाज ना रे। सब्र से काम ले, शायद तेरी आत्मा को करार आ जाए। इतनी ऊंची ऊंची बात ना बोल साले कि तुझे कच्ची ढकार आ जाए। सुल्तान सिंह जिसको छू लेता है उस साले को बुखार आ जाए। हराम ज्यादे लग रहा है, हमें दूसरे मूड में आना पड़ेगा। सुन मेरी बात को, धनुष खींचे बिना
धनुष खींचे बिना बाण चल सकता नहीं और सीधी उंगली से कभी घी निकाल सकता नहीं यार। वक्त सिम है, इस लड़की का चक्कर छोड़ और तू एक दो तीन हो जा। उठा कर फेंक दूंगा साले तुझे कैलाश पर्वत के ऊपर, और कुत्ते भी पेशाब करने नहीं जाएंगे तेरी लाश के ऊपर। सुल्तान सिंह नाम मेरा है। सौ से बीस वर्षा दूं मैं वो जहरीला और जो मेरी आज्ञा को टाले उसे ही डसने भाला। अबे ओए चिलांडू, बिगाड़ पाया ना मेरा जीते जी कोई। सभी को सुल्तान सिंह के मरने का इंतजार रहा, वो रफीक मेरा भला क्या करेगा। मैं जिस दिन मरूंगा तो भी चार के ऊपर सवार रहा। तेरी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है, तेरी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि जो कदम सिंह से टकराए, अरे कदम सिंह से जो टकराता है वो चखना चौक हो जाता है। हरिया क्या है तेरी बहन लगे ऐसा ही समझ रहे। अबे अगर तू सुल्तान सिंह तेरी अगर बहन लगे तो तू मान, लेकिन मैं नहीं मानूंगा क्योंकि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो चरने कहां जाएगा। कदम सिंह छोड़ दे इसे, ये तेरी भूल है रे। हमारा फर्ज यह कहता है बहु बेटे औलाद को बचाना और अमीरों को लूटना, गरीबों में दान करना, कन्यादान करना, मंदिरों में दान करना। ये हमारा धर्म नहीं कहता किसी बहन बेटी की इज्जत साथ खिलवाड़। ए हरामजादे, तेरी बहन लगे तो लगे लेकिन ये हमारी बहन नहीं है। अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो चरने कहां जाएगा। कदम सिंह सुल्तान सिंह, अब भी वक्त है समझ जा। तो यहाँ छोड़ लड़की का चक्कर, चल मेरे साथ, आ मेरे साथ। अरे हराम जादे नालायक, हाथ पीछे, मुझे इस लड़की को और ज्यादा तू इस लड़की को करे कदम सिंह तंग और माँ भवानी की कसम फाड़ करूं दो। छोड़ इस बातों से समझा रहा हराम जादे नालायक, बातों से समझा रहा करना मानी बात वरना इस शमशीर से ले लूं तेरी। हराम जादे कदम सिंह, शायद तूने अभी तक मुझे कभी जी भर के ताड़ा ही नहीं है। साले अभी मैदाने जंग हो गया है, कोई अखाड़ा नहीं है। जहां बंधा करते थे कभी काबुल के घोड़े, बेटा वो खूंटा तो मैंने गाड़ा ही नहीं। वो खूंटा को उचार कर ऐसे फेंकूंगा, वो खूंटा को उचार कर ऐसे फेंकूंगा कि जैसे मैंने रस्सियां को खींच कर तोड़ देता हूँ और तेरी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि वो खून का तुझे काला है। तेरे जैसे भुनगे आजकल साले गुंडई में बात करेंगे, एक दिन को खत्म करके इसे राज करेंगे। हे भगवान, इस देश का अब क्या होगा जब तेरे जैसे छक्के दूल्हा बन के बात करेंगे। तूने मुझे छक्का बोला Hey!
छोड़ाओ नहीं बेटा, सुल्तान सिंह कभी निहत्थे परवार नहीं करता। आज तेरी औकात तुझे मालूम हो जाएगी। हराम जादे अभी वक्त है, तेरे हाथों में शमशीर है, लेकिन फिर भी मेरा हाथ खाली है। अगर तेरी मारियत दूध पिला है तो मिला ले हाथ मुझसे, तुझे सबसे चिंता नहीं छोड़ूंगा, मसल दूंगा इसी मुट्ठी में, कसम हमारी इस खोपड़िया की। हराम जादे सुल्तान सिंह निहत्था परिवार नहीं करता, तेरी ये सत मुझे मंजूर नहीं। सांप जाने के बाद उसकी लकीर देखने आते हो। अभी तक तू कहां था? कहां था रे? हराम जाने। वापस आ ले। आ बाबा। हरिया। सरकार जी। इस लड़की को लड़की से पूछो, इसका नाम क्या है और कहां की रहने वाली है? पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा पता कहाँ है, घर कहाँ है? मेरा नाम साहब, मेरा नाम मोहिनी है और मेरा घर अंगदपुर है। अरिया सरदार जी ठहरो, मैं खुद ही पूछता हूँ उसका नाम क्या। घबराइए नहीं, जो वो था वो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं वो नहीं है। आइए आइए करिए, हम लोग वो शरीफ आदमी दे दिए जाओ। अरे बहू, और नाम क्या है तुम्हारा? घबराओ नहीं, और नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ है मक्का? नाम क्या? नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ है मकान? नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ है मकान? कैसे आई बहन तू यहाँ पर, बता कैसे आई? कैसे आई बहन तू यहाँ पर, बता नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ है मक्का? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ की रहने वाली हो और इस जंगल में इस कुत्ते के हाथ कैसे लग गई? साहब जी, मेरा नाम मोहिनी है और मैं अंगदपुर की रहने वाली हूँ। तुम्हारी मांग में सिंदूर? तुम किस घर की इज्जत हो बहन, बोलो।
अंगद को तुम्हारा गांव है, तुम्हारा नाम मोहिनी है। तुम किस घर की इज्जत हो? बोल बहन, बोलो घर। बोल बहन, तू किस घर की इज्जत है और इस जंगल में कैसे आई? साहब जी, मैं नहीं जानती कि मैं इस जंगल में कैसे आ गई, मुझे कुछ नहीं पता। साहब, आपने मेरी इज्जत बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। साहब, अब मुझे जाने दीजिए। साहब, अब जाइए, मुझे जहाँ जाना होगा मैं चली जाऊंगी। सुल्तान सिंह ने तुझे बहन का दर्जा दिया? जिंदगी में आज तक सुल्तान सिंह ने किसी को अपनी बहन का दर्जा नहीं दिया। नहीं साहब, नहीं। अब तुझे बताना ही होगा। जानती हूँ साहब, तुम लोगों का काम यही है साहब कि ऐसी बातों में बहलाना और बाद में उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। नहीं साहब, नहीं। सुल्तान सिंह उनमें से नहीं है जो तू समझ रही है। मैं समझ गया, तू ससुराल नहीं जाना चाहती, तो चलो तुम्हारे मायके छोड़ देता हूं। मैं वहां भी नहीं जाना चाहती। अगर मायके नहीं जाना चाहती हो तो सुल्तान सिंह ने अपने जुबान से तुझे बहन बोला। चलो मैं तुम्हारे ससुराल पहुंचा देता हूं। आप मुझे मेरे ससुराल पहुंचाना चाहते हैं ना? इसमें कोई शक? सुल्तान सिंह ने अपने जुबान से तुझे बहन बोला। सुल्तान सिंह तुझे ससुराल नहीं, जहां चाहो मैं वहां पहुंचा सकता हूँ। लो साहब, ये क्या है? ये तलवार मेरे जिगर के पार कर दो और ले जाकर मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दो साहब। तेरी बातों से साफ जाहिर होता है मेरी बहना कि तेरे ससुराल वालों ने तेरे साथ जाती की है। नहीं साहब, इसीलिए तू मरना चाहती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे ससुराल वाले साहब, वो लोग बहुत अच्छे हैं साहब। मेरे ससुर जी, वो मेरे देवता जैसे ससुर जी, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और मेरी देवी जैसी माँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। ऐसी कोई बात नहीं साहब। वाह, सब बुराइयां हो तुम्हारे ससुराल वालों में, लेकिन हमें तुम्हारे मुंह से तारीफ सुने जा रहे हैं। वाह मोहिनी वाह, सब खोपड़ी पीट कर एक खोपड़ी सुल्तान सिंह की बनी है। सुल्तान सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है, कोई जो उसे बेवकूफ बना सकती है। तू, तेरे साथ जाती हुआ है, तू झूठ बोल रही है बहन। अगर तू अपने ससुराल नहीं जाना चाहती, अपने मायके नहीं जाना चाहती, तो इस जंगल में कैसे रहोगी? साहब, आखिर अब इस दुनिया में मेरा है कौन? इस जंगल में क्या करूंगी? इधर उधर टहलती रहूंगी साहब, किसी जानवर का हार बन जाऊंगी। मेरे लिए बहुत कुछ होगा साहब। सुल्तान सिंह ने तुझे अपनी बहन बनाया है, आज के बाद तू सुल्तान सिंह के साथ रहेगी। और बहन मेरी बात सुनो। क्या तुम्हारे साथ? हाँ, इसमें कोई शक? नहीं साहब, मैं तुम्हारे साथ क्यों ना? क्या तुझे मुझ पर कोई शक है? क्या तू मेरी बहन नहीं बन सकती? मैं तेरा भैया नहीं बन सकता? साहब, मुझे क्यों बार बार बहन कहते हैं? क्यों? बहन, अगर इस संसार में जीना है, अपना हक पाना है बहना,
तो हमारी बात सुनो ध्यान से। पोछी करियास की अपनी आँखों से, पोछी करियास की अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, पूछ कर आस पूछ कर आस की अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ छीन जाती है, अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात, बहन जिंदगी उस परमात्मा की दी हुई है, इसे आसानी से नहीं खोना चाहिए। और बहन, भैया बोल बहन। भैया मुझे तुम पर अभी भी विश्वास नहीं है, तुम पहले मेरे सर पर हाथ रख कर सौगंध खाओ भैया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझे कभी भी बुरी निगाह से नहीं देखूंगा। पहले बोलो साहब, बोलो भैया। बहन, सुल्तान सिंह मर सकता है लेकिन ऐसा घिनौना पाप कभी नहीं कर सकता है। सुल्तान सिंह अपने दिल से तुझे बहन माना है। बहन तू रो रही है? देख सकता हूँ मैं, देख सकता हूँ मैं सब कुछ होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते। देख सकता हूँ मैं सब कुछ होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं। बहन, आज के बाद तेरी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए बहन। सुल्तान सिंह सब कुछ देख सकता है बहन, लेकिन तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ठीक है भैया, भैया मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ भैया, आज के बाद मेरी आंखों में आंसू कभी नहीं आएगा भैया। बहन अब तू घबरा नहीं, ये तेरा सुल्तान सिंह भाई तेरे साथ जो भी अत्याचार हुआ है, जब तक तुझे न्याय नहीं दिला देगा तब तक चैन की सांस नहीं लेगा। और सुनो मेरी बात, आज के बाद जो मैं कहूंगा तुझे यही करना होगा। क्या भैया? और करो ना गम मेरी बहना,
सुल्तान सिंह की बहन आवाज के बाद। और करो ना गम मेरी बहना, तुम्हें डाकू बनाऊंगा। करो ना गम मेरी बहना, तुम्हें डाकू बनाऊंगा। और सताया है तुम्हें जिसने, तुम्हें जिसने सताया है। और सताया है तुम्हें जिसने, उसे जग से मिटा दूंगा। सताया बहन मोहिनी, आज के बाद मैं तुझे नया नाम देता हूं। आज के बाद तू मोहिनी नहीं, बस की बाल की चंबल घाटी की खोखा डाकू बिजली सिंह कहलाएगी। ए उठा बंदूक बहन, और खा ले माँ भवानी की कसम, तुझे मेरी कसम मेरी बहना। ए लो माँ भवानी को, मिटा दो बेदर जमाने के, लूट लिया जा सागरपुर थाने को। एक सारे पुलिस चौकी होती है, जहां दो पुलिस इंचार्ज रहते हैं, उसकी लूटने की हैसियत नहीं है। ये सारा थाना कोतवाली लूटने जा रहा है। भैया भैया, ये मुझसे नहीं होगा भैया। अभी तूने क्या कहा था, याद के बाद भैया इन आंखों में आंसू नहीं आएगी। तूने झूठी कसमें दी थी मुझे। बहन, ये तेरा भाई जो कुछ कर रहा है तेरे हित के लिए कर रहा है। बहन, अगर यहां जीना है, अपना हक पाना है, तो बहन ये हथियार तुझे उठाना ही पकड़। बहन साथियों, सबसे पहले बिजली बहन को ले चलो अपने अड्डे पर। ठीक है सरदार जी। हम इनका निवास चेंज करेंगे, क्योंकि इस निवास में ये समाज वाले मेरी बहन को जीने नहीं देंगे। जी नहीं सरदार जी। इसलिए चलो बहन। भैया, अगर तुम कहते हो तो हाँ, मैं भी पागल हो गई हूँ भैया, मैं भी पागल हो गई हूँ। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी भैया। भैया, मैं इन दहेज लोभियों को भैया कसम खाती हूँ कि इस इलाके में मैं बर्बाद कर दूंगी। भैया, मैं बर्बाद कर दूंगी एक एक को, किसी को जीने नहीं दूंगी, किसी को नहीं। मैं पागल हो गई हूँ भैया। चल बहन, चल तुझे माँ माँ देवी का दर्शन कराते हैं, उसके बाद तेरा ये लिबास चेंज करते हैं। ओ अंबे माँ जगदम्बे माँ, तेरे दर्शन को आया मैया रे, तेरे दर्शन को आया मैया रे। ओ अंबे माँ जग, हनुमान जी लंका जा रहे हैं।
उछाले